हे व्हाट्स अप गाइस, कैसे हो आप सभी लोग। वेलकम बैक टू मनी गेम प्ले वीडियो। तो गाइस यार, आज हम दोबारा से कंटिन्यू करने जा रहे हैं GTA 5 का एपिसोड, जो कि हमने एक साल पहले बंद कर दिया था। अब देखो यार, मैं जल्दी जल्दी आपको बता देता हूँ कि लास्ट एपिसोड में क्या हुआ था। क्योंकि जब मैं GTA 5 के गेम प्ले अपलोड करता था ना, तब यार मेरे 100 सब्सक्राइबर्स भी नहीं थे। हालांकि बहुत सारे रीजन थे जिनकी वजह से मैंने एपिसोड्स बंद किए थे, पर उनके बारे में हम बाद में डिस्कस करेंगे। तो गाइज आपको याद होगा, अगर आपने नहीं देखा तो आप डिस्क्रिप्शन में लिंक पे क्लिक कर देना, प्लेलिस्ट ऑन करके सारे एपिसोड देख लेना। ओके, तो मैं जल्दी जल्दी बता देता हूँ क्या हुआ था। तो लास्ट वाले एपिसोड में हम फ्रैंकलिन के घर पर गए थे हाउस पार्टी में, ठीक है। हमने फ्रैंकलिन को एक लिमोजिन गिफ्ट की थी, जो कि हमने प्राइम मिनिस्टर से छुड़ाई थी, और उस दिन हमने एक शोरूम भी खरीदा था, ठीक है, कार के लिए, क्योंकि हमें अपना बिजनेस स्टार्ट करना था। पर यार फ्रैंकलिन की पार्टी में हम पे कुछ गैंग ने अटैक कर दिया था, पता नहीं कौन थे और क्यों अटैक किया था इसके बारे में नहीं पता चला, ठीक है। लेकिन फिलहाल अभी मैं पलीटो आया हुआ हूँ, ठीक है, क्योंकि लेस्टर ने एक मनी हाइस्ट प्लानिंग तैयार की है, ठीक है। मतलब एक बैंक में रॉबरी करना, मैं ट्रेवर और फ्रैंकलिन हम तीनों मिलके रॉबरी करने वाले, और साथ में हमारा एक क्रू मेंबर रहेगा। हालांकि यार ये कैसी सी जगह है, ये जगह ना भाई ट्रेवर ने डिसाइड करी थी मिलने के लिए। तो अभी फिलहाल हम यहाँ आ चुके हैं और सारे बंदे ऑलरेडी यहाँ पे हमें मिलने वाले, क्योंकि वो पहले से हमारा वेट कर देते, पर मैं लेट आया हूँ। और यहाँ पे ट्रेवर बहुत ज्यादा गुस्सा हो रहा है माइकल के ऊपर। अच्छा देखो यार, पता क्या हुआ था, ट्रेवर ना मार्टिन मद्राजो की वाइफ को किडनैप करके ले आया था, क्योंकि उसकी वाइफ ट्रेवर को कुछ ज्यादा ही पसंद थी। और यार इसके चक्कर में ना हम लॉस सैंटोस में नहीं रह पा रहे थे, पलीटो में रह रहे थे, क्योंकि मार्टिन मद्राजो ने सीधा धमकी दी थी कि तुम अगर मुझे लॉस सैंटोस में दिखे तो मैं तुम्हें जान से मार दूंगा। तो यार इसीलिए माइकल ने ट्रेवर के घर से मार्टिन मद्राजो की वाइफ को भगा दिया, कहा कि तुम वापस से अपनी अपने हस्बैंड के पास चले जाओ, क्योंकि हमारे लिए प्रॉब्लम हो सकती है। इसीलिए भाई ट्रेवर गुस्सा हो रहा है, कह रहा है कि तुमने मुझसे बिना पूछे उसे भगाया क्यों। मतलब यार हम यहाँ रॉबरी करने आए हैं और ये बंदा हमसे कितना ज्यादा लड़ रहा है। ओ भाई, फ्रैंकलिन ने लड़ाई शांत करवा दी, फालतू में झगड़ रहा है। लड़की के पीछे झगड़ना बेकार है यार, जान दो। ट्रेवर भी ऐसा ही बंदा, मतलब उसकी मार्टिन मद्राजो की वाइफ को उठा के ले आया भाई, हद है। ऑलरेडी मार्टिन मद्राजो से हमारी दुश्मनी चल रही थी और दुश्मनी खत्म ही हुई थी। मतलब कि मान लो हमने जो उसका घर तोड़ा था ना, उसके पेमेंट, मतलब उसकी पेमेंट हमने उसे कर दी थी ज्वेलरी हाइस्ट के बाद, और उसके बाद यार सब कुछ ठीक हो गया था, लेकिन ट्रेवर ने वापस सब खराब कर दिया। चलो कोई नहीं, यहाँ पे अपनी प्लानिंग तैयार हो चुकी है और अभी हम बैंक रॉबरी के लिए जाने वाले हैं। ओके भाई, यहाँ एक सस्ती सी वैन है और इस वैन से हमें जाना है। आगे फ्रैंकलिन बैठा है, माइकल यानी मैं ड्राइव करने वाला हूँ, पीछे हमारा क्रू मेंबर है और ट्रेवर है। तो अभी हम चार जन हैं और हम जाने वाले भाई बैंक के पास रॉबरी करने के लिए, ठीक है। ऑलरेडी सारी प्लानिंग हो चुकी है, अब हमें जाके वहाँ से सिर्फ रॉबरी करके आना है, क्योंकि हमें पैसे भी जरूरत है। हालांकि सबको पैसे भी जरूरत है, लेस्टर को भी है, क्योंकि ये प्लान लेस्टर ने तैयार किया है, ठीक है। तो मैं लेस्टर तो प्लानिंग कर रहा है, लेस्टर मेरे साथ नहीं जा रहा, ठीक है, वो मैं शायद बाद में मिलेगा। तो अभी फिलहाल हम सीधा बैंक की तरफ जा रहे हैं रॉबी करने के लिए। पता नहीं वहाँ कितनी ज़्यादा सिक्योरिटी होने वाली है या जो भी है, वहीं जाके पता चलेगा। तो ठीक है गाइस, चलते हैं अभी सीधा बैंक रॉबी करने के लिए। और बाकी अभी यार थोड़ा टाइम लगने वाला है, क्योंकि हम काफ़ी ज़्यादा दूर है बैंक से। ओके, तो गाइज यार हम बैंक के पास आ चुके हैं, ठीक है। मतलब यार पूरे 10 मिनट, एक मिनट रुको, मैं अपनी वैन साइड कर लेता हूँ, इस बंदे को ज्यादा तकलीफ हो रही है। रुक जा भाई, रुक जा, मैं थोड़ी साइड लगा लेता हूँ। चल अब निकल जा, जल्दी निकल जल्दी। ओके, तो गाइज पूरे 10 मिनट बाद ड्राइव करके हम यहाँ पहुंच चुके हैं, और यहाँ पे अभी फ्रैंकलिन उतरने वाला है, क्योंकि फ्रैंकलिन कहीं और जाएगा, ठीक है, वो हमारे लिए किसी और चीज का जुगाड़ करके रखेगा। फिलहाल अभी हम जाने वाले सीधा बैंक में रॉबरी करने के लिए। और बैंक कहाँ है भाई, नजर क्यों नहीं आ रहा। ओके गाइस, ये रहा बैंक, बैंक भी आ गया अपना, ठीक है। वैन को सीधा बैंक के पास लगाने वाले और सीधा अंदर चल के रॉबरी करेंगे। भाई वैसे सिक्योरिटी तो नजर नहीं ही आ रही है। बाकी भाई अपने दोनों मेंबर निकल के जा चुके हैं अंदर। चलो कोई नहीं भाई, हम भी चलते हैं, SMG निकाल ले तुम्हारे भाई ने। और चलो भाई किस चीज का वेट कर रहे हो, चलो अंदर चलो जल्दी। ओके ले, अंदर घुसते भाई CCTV कैमरा तोड़ दिया सबसे पहले हमारे क्रू मेंबर ने, सॉरी ये ड्राइवर ने, और मैं यहाँ कैमरा वैमरा तोड़ देता हूँ, ठीक है भाई। जल्दी से इस बंदे ने भाई यहाँ पे लॉक तोड़ना स्टार्ट कर दिया है। अंदर भाई पैसे के कितने सारे केस बने हुए हैं, देख रहे हो। मैं इनके मॉनिटर तोड़ देता हूँ, कॉन्टैक्ट कर लेंगे तो किसी ना किसी से। चलो कोई नहीं, यहाँ पे फायर एक्सटिंग्विशर है भाई, इसके मुंह पे सारा पाउडर आ गया, ये सही है। अंदर कोई है नहीं क्या, चलो कोई नहीं। अच्छा, ओके वो बंदा मैं बुला रहा है, ठीक है भाई। इस पर लात मार के तोड़ना पड़ेगा, वो कह रहा है बस ये थोड़ा कमजोर हो चुका है, इस पर एक लात मारो ये टूट जाएगा। बाकी बाहर पुलिस आ चुकी है,
और सिर्फ दो पुलिस आई है भाई, ये हल्के में ले रही है। इन्हें लग रहा है यहाँ पे बंदे नहीं आए भाई, ट्रेवर ने क्या फायरिंग कर दी है बढ़िया वाली यहाँ पे। इन्हें लग रहा था यहाँ पे ऐसे कोई आया होगा भाई। इस पुलिस वाले ने बैकअप बुला लिया पूरा अपना। चलो कोई नहीं, अभी यहाँ पे चलते हैं। कहाँ गए वैसे सारे बंदे अपने? ओके भाई, रॉबरी ओबरी हो चुकी है यहाँ पे, ठीक है। और एक दो तीन चार, चार गाड़ी, पांच, ओ भाई पांच गाड़ियां आ चुकी है। और इस पुलिस वाले को देखो भाई कितना ज्यादा जोश में है वो, मतलब कह रहा है सरेंडर करके बाहर आ जाओ, तुम्हें भागने का कोई मौका नहीं मिलने वाला। अभी अपने पास $8 million है साइड में देख सकते हो। लेकिन गेट पे लात मारा, ओ भाई सब जगरनट के सूट में देख रहे हो, पूरी प्लानिंग करके आए हुए थे यार, मुझे नहीं पता था ये जगरनट की सूट पहन के अंदर से बाहर निकलेंगे। और मशीन गन चला दिया भाई ड्राइवर ने यहाँ पे, और भाई इनका भूस बढ़ने वाला तुम्हारा भाई मिनट से पहले। भाई कितनी ज्यादा पुलिस आ चुकी है यहाँ पे, ओ भाई ये सही जुगाड़ है। मैं तो सोचा था पिस्टल विस्टल ना हो अपने हाथ पे, नहीं तो इन्हें मारने में बहुत ज्यादा ही टाइम लग जाता। लेकिन एक चीज जो है ना गाइस यार, ये जगरनट के सूट पहनने के बाद ना अपन चल नहीं पा रहे ठीक से। एक मिनट, हेलीकॉप्टर आ रहा है क्या? कहाँ है, कहाँ है, ऊपर है क्या? तो तुम्हारी भैंस की टांग, ऊपर से भी फायर कर दे भाई, हेलीकॉप्टर भी आ गया। रुको, ये तो गए भाई, दो बंदे तो नीचे ही कूद गए शायद, वैसे कूदे क्यों, वैसे भी मरना था, कूद गए भी बेचारे मर ही जाएंगे। और देख रहे हो सूट पहन के ना भाई भाग नहीं पा रहे, और सामने से और ज्यादा पुलिस की गाड़ियां आ रही है। चलो कोई नहीं भाई, अपन आगे से निकलते हैं। और सामने भी कुछ पुलिस वाले आ चुके हैं, और पीछे भी पुलिस वाले आ चुके हैं भाई। यहाँ पे हेलीकॉप्टर ब्लास्ट हो गया। एक मिनट रुको, इसे नहीं मारेंगे यार, इन मासूम लोगों को नहीं मारेंगे अपन, ठीक है ना? ओके, देख रहे हो मतलब हर जगह से इन्होंने हमें घेर लिया भाई। यहाँ पे तीन गाड़ियाँ खड़ी थी पुलिस वालों की। चलो कोई नहीं, धीरे धीरे आगे चलते। ओके भाई, यहाँ पे रास्ता बनाना पड़ेगा इन्हें तोड़ के। चलो तोड़ दिया, अब यहाँ से आगे निकलते हैं। लेकिन हमारे लेफ्ट साइड में ना भाई बहुत ज़्यादा पुलिस है, जो कि यार गली में खड़ी है, मतलब गली नहीं वो रोड पे खड़ी है, हमारे वेट कर रही है बाहर निकलने का। मुझे लग रहा है ना बाहर निकलते हैं वो हमें भरने वाले भाई। चलो कोई नहीं, ना तोड़ देते, वैसे आगे भी तो जाना। और सामने पुलिस की गाड़ी खड़ी थी, चलो ये तो गई, ब्लास्ट हो गई। और भी ज़्यादा पुलिस आ रही है भाई, सब ट्रक भर भर के आ रहे, देख रहे हो। और सामने से भी इधर तुम्हारी भैंस चिटाएंगे तो बुलेट प्रूफ है, मर भी नहीं। चलो ड्राइवर के बजा दिया तुम्हारे भाई ने। ओके भाई, एक मिनट, हेलीकॉप्टर तो नहीं है ना? हेलीकॉप्टर नहीं है, बंदे ही आ रहे सामने। तुम्हारी भैंस की टांग ऐसे हल्के में ले रहे हो जगरनेट के सूट में, हेल्थ तो वैसे भी नहीं जाने वाली अपनी, सर से लेकर पांव तक कवर हो चुके हैं भाई। और ये अपन तीनों भगते हुए आ चुके हैं यहाँ पे, ये क्या सीन है? एक मिनट रुक जा, और ज़्यादा बंदे आ रहे क्या? ओके गाइस, अभी ड्राइवर ने ना इन्हें कहा कि तुम थोड़ा आगे निकलो, मैं पुलिस वालों को जाके रखता हूँ। और ये पुलिस वाले तो थोड़े पीछे रह गए, अपन आगे आ चुके हैं। तो अभी मैं माइकल पे स्विच हो चुका हूँ, और सामने भाई और भी ज़्यादा पुलिस आ रही है, ट्रक में आ रही है। वैसे यार माइकल के पास ना मशीन गन है, मतलब मशीन नहीं मिनी गन है, M249। चलो कोई नहीं, ये भी सही है। ओ भाई सब सही में यार, यहाँ तो बहुत ही ज़्यादा पुलिस आ गई। और सामने भी भाई काफ़ी ज़्यादा पुलिस आ चुकी है, देख रहे। ओ भाई सारे कवर लेके बैठे हुए ऑलरेडी। तो कोई नहीं यार, अभी ना यहाँ के हमने काफ़ी ज़्यादा पुलिस वाले डाउन कर दिए हैं, लेकिन फिर भी ओ भाई साहब यहाँ तो टैंक आ गए। एक मिनट, लगता फ्रैंकलिन पे स्विच होना पड़ेगा। चलो कोई नहीं, फ्रैंकलिन पे स्विच होते। फ्रैंकलिन क्या कर रहा है वैसे? भाई फ्रैंकलिन JCB लेकर आ रहा है, वाह भाई ये सही जुगाड़ है। अपन JCB से भाई सारे गाड़ियों को साइड करते हुए चलने वाले। और यहाँ पे ऑलरेडी भाई काफ़ी ज़्यादा जिप्सियाँ आके खड़ी हो चुकी है। अभी इन्होंने देखा नहीं मेरे को, ये सीधा चले गए। लेकिन इन्होंने देख लिया, तुम्हारी भैंस की टांग हट जाओ सामने से, यही चला देंगे इनके ऊपर। देखो तुम्हारी ऐसे तैसे, ये देखो भाई गिरने के बाद भी ना इनका जोश ठंडा नहीं होता, फायरिंग करते रहते हैं इनकी भैंस की टांग। वो देखो कार के पीछे कवर लेकर बैठा रहे, बैठा रहे, जैसी रहे। सही सीन होगा तेरा भाई, जोश चढ़ा दी इसके ऊपर। मतलब इसमें इतनी अकल नहीं है पुलिस वाले में, भाई बंदा सामने JCB से आ रहा है, उड़ा सकता है सीधा, कार पलट देगा। लेकिन भाई फिर भी ना, कार के पीछे कवर लेना, तुम्हारी भैंस की टांग गोलियाँ बजा दो इनके। तो फालतू में टाइम वेस्ट हो रहा है इनके ऊपर जिप्सी चलाने में, अपन को सीधा जाना है ट्रेवर फ्रैंकलिन को बचाने के लिए। लेकिन ये भाई अपना टाइम छोटी कर रहे हैं यहाँ पे आके, तुम्हारी भैंस की टांग इधर बच गए। चलो कोई नहीं, तो छोड़ते यार, सीधा चलते हैं, ठीक है ना? सामने भी लगता ऑलरेडी काफ़ी सारी गाड़ियाँ अपना वेट कर रही हैं भाई, लगता है इन्हें पता चल चुका तीन बंदे हैं यहाँ पे। लेकिन सामने भी है भाई, जिप्सियाँ आई नहीं है, मतलब रुक नहीं रही। तो रुको बीच से निकाल लेते हो ना, मैंने साइड कर गया, चल के लिए चल साइड हो। और यहाँ पे एक पुलिस वाला, ये देखो भाई पीछे से फायरिंग कर रहा है, इतनी असल नहीं है सारे। वो भाई टैंक आ गई, इस पर तो मैंने नोटिस ही नहीं करा। और रुको एक मिनट, मुझे आके अपनी जिप्सी, थोड़ी जिप्सी JCB को लेफ्ट लेना है।
और अपन दो बंदे भाई अंदर ही है, तीसरा नजर नहीं आ रहा यार। तीसरा ओके ओके तीनों है, तीनों है, चलो तीनों है। चलो भाई जल्दी आ जाओ, बैठ जाओ। वो नहीं आके बैठेगा क्या अपना क्रू मेंबर? तीन बंदे ना वैसे। चलो शायद वो पुलिस को यहाँ पे उलझा के रखने वाला है और हमें यहाँ से शायद भागना पड़ेगा। चलो कोई नहीं, अभी अपने पास 7.9 मिलियन डॉलर है, ठीक है, काफ़ी ज़्यादा पैसे हैं, तो यहाँ से सीधा निकल लेते। और पीछे से जो टैंक है ना भाई, कॉन्टिन्यूसली हम पे फायरिंग कर रहा है, और एक और टैंक आ गई यहाँ पे। अरे भाई, अरे एक मिनट रुक जा, कैसे करके मारोगे भाई? दो दो टैंक आ चुकी है, अगर एक भी लग गया ना, और भाई सामने से भी एक और आ गई। ये लोग तीन तीन टैंक आ चुके, कोई नहीं, यहाँ से सीधा अंदर ही ले लेते। अभी यहाँ से ना भाई फैक्ट्री के अंदर जाना पड़ेगा अपन को, क्योंकि यहीं से भागने का रास्ता है। चलो कोई नहीं, अभी वैसे माइकल ट्रेवर सारे बंदे यहाँ पर, और ये ऑफिस से बंदा निकल के आ रहा बाहर, देख लो भाई यहाँ भी हो जाएगी। कितने सारे बंदे, बंदे नहीं सॉरी, कितने सारे नेवी के बंदे आए हुए हैं। पुलिस वाले से तो हैंडल होने नहीं वाले हम, इसीलिए भाई यहाँ पे नेवी के बंदे आके खड़े थे। रुको सब, मैं बजा इस बार नहीं सुन रहा, सीधा फ्री फायर होगी तुम्हारी टैंक, सब के सब मरोगे तुम जितने भी हो गए। ये तो सारे गए, सामने भी है क्या? ओके सामने और भी ज़्यादा पुलिस वाले। तो यहाँ ना मैं कंटिन्यूसली फायरिंग करता रहूँगा, ठीक है, जहाँ से पूरी ओके भाई अपने पीछे भी सामने तुम्हारी कर क्या रहे भाई? ये ड्राइवर ट्रैंकिंग क्या कर रहे हैं? ये नहीं बजा रहे क्या पीछे से? मैं अकेला ही मारूँगा मतलब ही नहीं। और सामने भी है, रुको रुको, यहाँ से लगता है जब तक मैं बाहर नहीं निकल जाता ना तब तक भाई ये बंदे ऐसे मिलने वाले। चलो कोई नहीं, ये भी गया, ये भी गया, काफ़ी ज़्यादा बंदे मार के भाई, मतलब खून खराब हो चुका है। और भी भाई कितने बंदे कवर लेके बैठे थे? तीन बंदे थे भाई एक साथ कवर लेके बैठे थे एक ही जगह, और ये और भी निकल के आ रहे। चलो कोई नहीं, अब शायद से मंडी जगह खाली हो गई, क्योंकि मैं और आ गए। मैं सोचता था मैप में बंदे नजर नहीं आ रहे, ऑलरेडी यहाँ और ज़्यादा बंदे हैं, और पीछे भी है घेरा भाई ये भी है। सारे गए अभी कहें उसके यहाँ से अपने ऊपर जाना। देखो मैं जंप नहीं कर पा रहा, मतलब जगरनट का सूट भाई इतना ज़्यादा हैवी है ना, इसे पहनने के बाद एक भागना तो पूरी बात, जंप ही नहीं कर पा रहा भाई। तो ओके गाइस, यहाँ से अपना एक ट्रेन आने वाली है, उस ट्रेन में बैठ के हमें स्केप करना है जब तक भाई स्लीप वालों से फाइट करते हैं, क्योंकि ये पीछे तो बजा देंगे अपने ऊपर, ठीक है। और भी एक है, अरे एक मिनट आ गया भाई, बच गया यार, मैं तो मैं पटरी के नीचे आ गया, पटरी ट्रेन के नीचे आ गया, मतलब देख रहे हो। चलो ओके, यहाँ पे एक बॉक्स खुला हुआ था ट्रेन का, अभी इसमें बैठ चुके हैं और सीधा निकल गया भाई। ये सही जुगाड़ था मतलब, अभी मेरे को ऐसा लगा ना भाई मैं ट्रेन के नीचे आ गया लिटरली, पर कोई नहीं बच गए। वैसे यार अपना चौथा बंदा नहीं पता कहाँ गया, शायद वो ना पीछे ही रह गया शायद से, क्योंकि वो अपने साथ बैठा ही नहीं भाई जेसीबी में। चलो कोई नहीं, वो अपना एस्केप करके निकल जाएगा। अबे भाई ये कौन? ओके ये साथ का ही बंदा है, चलो ये साथ का, इसको लेस्टर ने भेजा है। और ये भाई बैग है, पैसे से भरा हुआ। चलो कोई नहीं, नीचे उतरते, ठीक है, अपना काम खत्म हो चुका भाई। दो पेटियां भरी है बैग से, देख लो काफी ज्यादा, वैसे 7.9 मिलियन डॉलर तो बहुत है यार, पैसे तो बहुत है। चलो कोई नहीं, यहाँ से सीधा निकलते, अभी इस बंदे में बच जाता भाई, शॉट लगने वाले थे बच गया ये। चलो कोई नहीं, अभी बैग हमने रख दिए हैं, ठीक है, और ये बंदा पैसे ले रहा है, ये क्या कर रहा है, लेकिन चंदा दे रहा है क्या भाई? मतलब बंदों से फाइट हम करें, गोलियां हम खाए, और उसके बाद देख रहे हो इनाम में बंदा कह रहा है तुम जब तक ये रखो बाकी मत, बाकी का हिसाब तुम्हारा लेस्टर कर देगा। तेरी बहन के टांग अगर कोई लेस्टर का बंदा नहीं होता ना तेरे मत्थे के बीच में शॉट मारते। चलो वही नहीं, जान दे तो जान दो यार, देख रहा हूँ माइकल के कपड़े कितने ज़्यादा गंदे हो रहे, क्योंकि यार मार्टिन मतलब की वजह से ना सब ट्रैवल की वजह से हो रहा है, ट्रैवल की बाइक को किडनैप करके ले गया, इस वजह से हम लॉस सैंटोस में नहीं रह पा रहे, कपड़े भी चेंज नहीं कर पा रहे, देखो कितनी गंदी शर्ट पहन रखी है। पर कोई नहीं यार, ठीक हो जाएगा। और यहाँ पे फ्रैंकलिन और ट्रैवल, चलो तो यार मतलब सही था, अच्छे खासे देखो रॉबरी तो अपनी सही से सलामत हो गई, ठीक है, बाकी कोई दिक्कत नहीं है। अभी हम ट्रैवल के घर जाने वाले हैं, क्योंकि ट्रैवल के घर पर ही रह रहे हैं और कहीं नहीं रह रहे, बाद में अपने घर चले जाएंगे। तो गाइज देखो आज के लिए बस इतना ही, वीडियो आपको कैसी लगी हो लाइक और कमेंट करके ज़रूर बताना, चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। तो मिलता है गाइज नेक्स्ट गेम प्ले की वीडियो में, थैंक्स फॉर वॉचिंग।